उत्तर प्रदेश की इकाई भंग कर दी गई थी। संगठन आज घोषणा होगी या घोषणा हो रही होगी पार्टी के हमारे नेताओं की। प्रदेश को चार भागों में बांटा गया, चार क्षेत्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अलग अलग विंगों के संगठन बनाए जाएंगे और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस उद्देश्य से आज यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है। अभी एक महीने लगातार सदस्यता अभियान चला है। जो लोग सक्रिय सदस्य बन चुके हैं उनको जो है हम लोग आज पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। और आज हम लोगों ने फैसला लिया है कि विगत लोकसभा चुनाव के साथ साथ तमाम विधानसभा चुनाव में हम लोगों के विरोधियों द्वारा पार्टी को साजिश के तहत कमजोर करने के लिए आखी और छड़ी, हम लोगों का सिंबल छड़ी रहता है लेकिन हाकी चुनाव में किसी न किसी को खड़ा करा करके हाकी दिलवाकर 8,000-10,000 वोट डिस्टर्ब किया जाता था हमारा। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक करके अपने लोगों से राय मशविरा करके गरीब कमजोर वंचित शोषित इनको हक दिलाने के लिए, इनके विकास के लिए जो ताले बंद हैं, जो इनके हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी के लिए जो दरवाजे बंद हैं उसके लिए आज हम लोगों ने अपना सिंबल चाबी चयन किया है और आज से हमारा सिंबल चाबी होगा। हाथी का जिक्र आपने किया है लेकिन बसपा जो है वो इस बार उपचुनाव में जा रही है, लगता है कुछ परेशानी बढ़ेगी मायावती के उपचुनाव में आते ही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, न लड़ने का भी अधिकार, तो वो लड़ रही हैं उनका विषय है, हमारा अपना विषय है। हम हमेशा गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित शोषित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं, इनको हक दिलाने की बात करते हैं। इनके जो दरवाजे हमने 22 साल से खोलने का प्रयास किया छड़ी के सहारे लेकिन वो नहीं खुल पाया, इस नाते वो बंद ताले को खोलने के लिए हम लोगों ने छड़ी का इस्तेमाल शुरू करना चाहा। देखिए, वो जब चुनाव आएगा अब वो बंटवारा होगा और 10 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन लड़ेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 10 सीट हम एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव जीते। सर आप मांग करेंगे नहीं करेंगे? चुनाव में जा रही है, सीटों को लेकर देखिए एनडीए में है तो मांगना तो अपना हक है। अरे 10 सीट का चुनाव है, ज्यादा कहाँ से मांगा जाएगा? नहीं, 10 सीटों का चुनाव है, एनडीए के साथ ही सब लोग। अब उसमें जो मिल जाए वो हम आप लोगों को बताएंगे। आपके भाई संजय निषाद जी भी मांग रहे हैं। बिल्कुल हक है उनका, मांग सबका हक है। तो हम सब लोग जितने भी एनडीए के साथी है, हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हक मिलेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे 10 सीट जीतने के लिए, सब लोग मिलकर प्रयास।